हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्कैम। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बर तिवारी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी IBPS PO मेंस, क्लर्क मेंस और RBI ग्रेड मेंस, ग्रेड बी मेंस की तैयारियां चल रही हैं। यहां पर हम आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें आपको पता है कि हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल नए तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक कैप्सूल है जिसे कि हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया हुआ है, जैसे बैंकिंग करंट अफेयर्स, इकोनॉमिकल सेक्शन, अपॉइंटमेंट्स, समिट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑर्थर। और इन सभी के लिए हम आपको सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये लेक्चर्स लास्ट 6 मंथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंटेन कर रहा है। और यदि आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आने वाले इन एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और इनकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर को, लास्ट 6 मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से डेफिनेटली आपका 2 मार्क के क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो एक जो बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं, मोनिशी शना रिवाल की बुक जो है, मोनिशी शना रिवाल की जो बुक है, जो कि एक इंडियन पब्लिशिंग कंपनी है, गरुदा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इन्होंने सैफरन शॉर्ट कंट्रीज़ के लिए एक बुक लिखी है, इंडिक रेजोनेंस टू इन्वर्ट। ये आपको याद रखना है नाम, यहाँ पर नाम क्या है, इंडिक रेसिडेंस टू इन्वर्टर्स। और ये किसने लिखी है, मानोशी शना रेवाल ने लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एक बुक की जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है, 100 ईयर ओल्ड क्लासिक पंजाबी पोएम का, जो कि है जलियांवाला बाग मैस्कर पर बनी हुई है, जिसका नाम है खूनी बख्शीश। ठीक है, तो खूनी बख्शीश जो पंजाबी में थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है जो कि आबू धाबी में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गाइस। अब वही हम बात करते हैं, एक न्यू बुक आई है जिसका नाम है एक 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी द साउथ अफ्रीका लेगेसी। और इसे लिखा है फाकिर हसन ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार हम महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर को 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उसी ओकेज़न पर इस बुक को लॉन्च किया गया है। तो ये बुक आपको याद रखनी है, जिस बुक का नाम क्या है, 150 ईयर सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी साउथ अफ्रीकन लेगेसी, और इसे लिखा है फ़कीर हसन ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हम बात करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने एक नई बुक लिखी है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम आपको याद रखना है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर एंड सॉल्यूशन, वी हैव द ब्रेक थ्रू वी नीड एंड वी विल वी नीड। तो इसे ये बिल गेट्स की बुक है बेसिकली, आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगली बुक को डिस्कस करते हैं। इंडियन चेस प्लेयर जो है विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद पर एक बुक लिखी गई है, जिस बुक का टाइटल है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम द चैंपियन। तो इस बुक का नाम याद रखना है, और याद रखना है कि बुक किस पर बनी हुई है। तो जो हमारे प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद, ये एक चेस प्लेयर हैं, और इनके ऊपर जो बुक बनी हुई है, ये बुक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम दी चैम्पियंस लाइफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं, तो चेस से संबंधित हैं ये। ओके, करेंट अफेयर से दोस्तों किसी भी तरह से घुमा फिरा अगर पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। और प्राइम मिनिस्टर ने एक नई बुक को अनवील करा हुआ है, जिसका नाम है ब्रिस्टल नेशन, जिसे लिखा हुआ है एन चंद्रशेखर ने, और एन चंद्रशेखर ने लिखा हुआ है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि टाटा सन से रिलेटेड है। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है, ब्रिस्टल नेशन, और ये एन चंद्रशेखरन के द्वारा लिखी गई है। एन चंद्रशेखरन को हम सभी जानते हैं। एक और बुक जो कि आपको याद रखनी है, टैग विस्पर। जी हाँ दोस्तों, द टैग विस्पर, जिसको लिखा हुआ है जसप्रीत बिंद्रा ने, जिसको लिखा हुआ है जसप्रीत बिंद्रा ने, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखी गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ देखते हैं। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पर एक नई नॉवल निकाली गई है, जिसको कि लिखा गया है कृष्ण कुमार ने। किसने लिखा हुआ है, कृष्ण कुमार ने। यदि हम बुक्स की बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक बुक जिसका नाम आपको याद रखना है, बोलना भी ज़रूरी है,
जी हाँ दोस्तों, बोलना भी ज़रूरी है। और ये बुक लिखी हुई है रवीश कुमार ने, ये अभी नहीं लिखी हुई है, लेकिन इस बुक का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि हाल फिलहाल में रवीश कुमार को एक अवार्ड मिला हुआ है जो कि है नमन मैगसेसे अवार्ड, जिसे कि हम एशिया का नोबल भी कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उन्हें इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला हुआ है तो उनकी बुक आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है बोलना भी ज़रूरी है, रमन मैगसेस अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है रवीश कुमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की जो ऑटोबायोग्राफी है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है। और ये बुक अभी RBI ग्रेड वी प्रीलिम्स में भी पूछी जा चुकी है। तो अनुपम खेर की ऑटोबायोग्राफी है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी, ये कारगिल युद्ध जो हुआ था उसके ऊपर लिखी गई कहानी है। तो जो कारगिल युद्ध हुआ था इसे पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने, और इसे लिखा हुआ है रचना बिस्त रावत ने। तो याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। वही हम बात करते हैं हमारी अगली बुक की, द कॉफ़ी टेबल बुक, जिसका टाइटल है फायर एंड फ्यूरी कॉप्स सागा ऑफ द वैलोर फोर्टिट्यूड एंड सेक्रीफाइस। इसे रिलीज़ किया है नॉर्थन आर्मी कमांडर ने लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के द्वारा, लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर सिंह के द्वारा, याद रखना है आपको, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कल्चरल मिनिस्टर एक नई बुक को लॉन्च करने वाले हैं जो कि मनु गांधी के ऊपर लिखी हुई है। तो इसको एक्चुअली 150th एनिवर्सरी महात्मा गांधी की ओकेजन पर लॉन्च करी जाएगी। चलिए अगली बुक की हम बात करते हैं, जिसका नाम है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फ्लिपकार्ट। इसको लिखा है मेहर दलाल ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है द बिग बिलियन स्टार्टअप, जो कि है फ्लिपकार्ट के बारे में बुक लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, एक न्यू बुक की बात है जो है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, नेम्ड जो इंडियन रेलवे की हिस्ट्री पर बनी हुई है अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन रेलवे। इसे पेन किया गया है वेटर्न जर्नलिस्ट ऑथर राजेंद्र बी अकलेकर ने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजेंद्र बी अकलेकर ने इसे लिखा हुआ है, जिसका नाम है अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन रेलवे। अगली बुक है जो कि द इंडिया लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसे लिखा गया है सिविल सर्वेंट रघुवेंद्र सिंह ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। हम बात करते हैं द कज़न ठाकरे, अगेन ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये ठाकरे ब्रदर्स पर बनी हुई है। तो द कज़न ठाकरे राज एंड द शैडोज ऑफ देयर सेंसेस, इसको लिखा है धावल कुलकर्णी ने, ये एक जर्नलिस्ट हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये हम बात करते हैं अगली बुक की, जिसका टाइटल है बीइंग गांधी। इसको लिखा हुआ है पारो आनंद ने, किसने लिखा हुआ है इसे, पारो आनंद ने। फिर हम हमारी अगली बुक की बात करते हैं, एक नई जो कि कॉमिक बुक है, इसमें एक कैरेक्टर बनाया गया है प्रोफेसर उस्मान, इस कैरेक्टर को भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है एक कॉमिक बुक है जिसमें एक कैरेक्टर बनाया गया है प्रोफेसर आयुष्मान, और इस बुक को जो एम करके बनाया गया है, ये बनाया गया है नेशनल मेडिकल प्लान बोर्ड है ना, तो ये आयुष मिनिस्ट्री को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए देश में ये कॉमिक बुक बनाई गई है। तो इसमें एक प्रोफेसर होंगे आयुष्मान, जो कि इसमें एक तरह से लीड रोल में होंगे क्योंकि ये कॉमिक बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून टर्नर ये भारत के चार महान स्पिनरों की कहानी है, जिसमें आप देख सकते हैं बिशन सिंह बेदी की बात हो रही है, और प्रसन्ना की बात हो रही है, चंद्रशेखर की बात हो रही है, और वेंकट राघवन की बात हो रही है। इन चार महान स्मरणों के जीवनी के ऊपर ये कहानी लिखी हुई है फॉर्च्यून टर्नर, और इसे लिखा हुआ है सचिन बजाज ने, किसे लिखा हुआ है, सचिन बजाज ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक भी है। और एक और बुक जो आपको याद रखनी है, सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगेटन पास्ट। तो जो सावरकर जो थे वो हमारे एक स्वतंत्रता संग्रामी थे, क्रांतिकारी थे। ये बुक दो भाग में लिखी हुई है, एक पहला भाग है जो 1883 से 1924, और दूसरा भाग जो है 1924 से उनकी डेथ तक। तो ये जो बुक है उनके बारे में लिखी हुई है, सावरकर के बारे में लिखी हुई है, और इसे लिखा है विक्रम संपत ने। जी हाँ दोस्तों, किसे लिखा है इसे, विक्रम संपत ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लास्ट 6 मंथ की वो ख़त्म होती हैं दोस्तों, और आप इन बुक्स को ज़रूर याद रखें, डेफिनेटली यहाँ से ये क्वेश्चन आपके मेंस एग्ज़ाम में आने वाला है। थैंक यू।